Hello children, let's start with Introduction to Computer Networks, Unit 3 of Term 2. What is computer network? Computer network kya hota hai? Okay, a computer network is a system that connects numerous means bahut sare independent computers in order to share information and resources. Computer network kya hai? Computer network ek system hai jo bahut sare independent computers ko kya karta hai, connect karta hai. Aur connect kis liye karta hai? Jisse kya ho sake wo computers ek dusre ke sath information share kar sake aur resources ko शेयर कर सके, राइट? ओके, सो व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क? कंप्यूटर नेटवर्क इज अ सिस्टम दैट कनेक्ट्स न्यूमरस इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स इन ऑर्डर टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज. ओके, अ नेटवर्क कनेक्शन कैन बी एस्टेब्लिश्ड यूजिंग आइदर वायर्स और केबल्स और वायरलेस मीडिया. अब नेटवर्क आपको क्रिएट करना है, ओके? तो आप कैसे क्रिएट करोगे? आप या तो वायर्स का यूज करके नेटवर्क क्रिएट करोगे, कंप्यूटर्स को एक दूसरे से कनेक्ट करोगे, या फिर आप वायरलेस मीडिया यूज करोगे, वायरलेस विदाउट वायर. ओके, जिसमें आप क्या यूज करते हो? रेडियो वेव्स. ओके, रेडियो वेव्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है. रेडियो वेव्स क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है. ओके, क्या करती है ये ओमनी डायरेक्शनल होती है. ओमनी डायरेक्शनल मीन्स सारे मतलब सारी डायरेक्शंस में ट्रेवल करती है. वन वन डायरेक्शन में नहीं, सारे डायरेक्शंस में ट्रेवल करती है. ओके, और इनके बीच में कोई ऑब्स्टेकल्स आए तो उसको पेंट्रेट कर देती है. पेंट्रेट मतलब कोई भी ऑब्स्टेकल आए तो उसको पार करके ये आगे चली जाती है, राइट? ओके, तो ये कहाँ कहाँ पे हमारे हमारे यूज आती है रेडियो वेव्स? ठीक है, टू ये कैरी करती है म्यूजिक. एफएम रेडियोस जो आप सुनते हो वहां पे ये म्यूजिक आप तक पहुंचाती है. ठीक है, आप टीवी पे वीडियोस देखते हो. ओके, टीवी पे जो भी आता है वो आपको रेडियो वेव्स के थ्रू मिलता है. ठीक है, एंड दे कैरी डेटा ओवर वायरलेस नेटवर्क. और वायरलेस नेटवर्क बे जो डेटा कैरी होता है, जो आप तक डेटा आता है, वो किसकी हेल्प से आता है? रेडियो वेव्स की हेल्प से आता है. ओके, तो अगर हमें नेटवर्क बनाना है तो दो तरीके से हम बना सकते हैं, वायर्ड नेटवर्क एंड वायरलेस नेटवर्क. ओके ओके, नाउ वी हैव एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग कंप्यूटर नेटवर्क्स. नेटवर्किंग के क्या फायदे होते हैं या कंप्यूटर नेटवर्क के क्या फायदे होते हैं, क्या एडवांटेज है, बेनिफिट्स? ओके, तो वन बाय वन हम देखेंगे. प्रोग्राम्स डू नॉट हैव टू एग्जीक्यूट ऑन अ सिंगल सिस्टम बिकॉज ऑफ रिसोर्स एंड लोड शेयरिंग. इसका क्या मीनिंग है? इसका ये मीनिंग है कि आप कोई भी प्रोग्राम बनाते हो, जरूरी नहीं है कि आप एक ही सिस्टम पे बनाओ. ठीक है, सेम प्रोग्राम कैन बी शेयर्ड एंड एग्जीक्यूटेड ऑन मल्टीपल डिवाइसेस. सेम प्रोग्राम आप शेयर कर सकते हो मल्टीपल डिवाइसेस पे. तो आप अगर आपने हाफ प्रोग्राम अपने डिवाइस पे बनाया, हाफ प्रोग्राम किसी और डिवाइस पे बनाया, और हाफ प्रोग्राम फिर और किसी डिवाइस पे बनाया, यू कैन ज्वाइन ऑल द थ्री पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम. ओके, समझ आया? ये जरूरी नहीं है, बिकॉज क्या है, यहाँ पे आप डेटा को शेयर कर सकते हो, तो यहाँ पे लोड की शेयरिंग हो रही है, राइट? ओके, देन वी हैव रिड्यूस्ड कॉस्ट. मल्टीपल मशीन्स कैन शेयर प्रिंटर्स, स्कैनर्स एंड अदर पेरिफेरल्स. अब यहाँ पे हमारी कॉस्ट क्या हो रही है? कम हो रही है, रिड्यूस हो रही है. क्यों? बहुत सारी मशीन्स, ठीक है, शेयर कर सकते हैं, बहुत सारे डिवाइसेस, बहुत सारे कंप्यूटर शेयर कर सकते हैं, प्रिंटर. जैसे आप साइबर कैफे में जाते हैं तो आप देखते हैं जितने भी वहां पे कंप्यूटर्स होते हैं वो अटैच होते हैं वन या टू प्रिंटर्स से. ओके, आप अपने कंप्यूटर से कमांड देते हैं और प्रिंट आउट निकल के आ जाता है. व्हाई? बिकॉज ऑफ नेटवर्किंग, राइट? क्योंकि वो क्या होते हैं? कनेक्ट होते हैं. ऐसे ही स्कैनर एक होता है. स्कूल्स में भी जब आप जाते हो, लैब्स में जाते हो, आप देखते हो कि वहां पे प्रिंटर्स वन या टू होते हैं, स्कैनर वन या टू होते हैं. तो क्या होते हैं? उससे जितने भी लैब्स के कंप्यूटर होते हैं आप क्या कर सकते हो? कमांड दे सकते हो. ओके, एंड अदर पेरिफेरल्स, और भी क्या हो सकते हैं? और भी डिवाइसेस, पेरिफेरल डिवाइसेस आप क्या कर सकते हो? शेयर कर सकते हो, राइट? ओके, नेक्स्ट वी हैव द रिलायबिलिटी. If one machine fails, another can take its place. Okay, reliability क्या होता है? Secure, safe, okay, responsible, जिस पे हम विश्वास कर सकते हैं. तो अगर नेटवर्क के अंदर एक मशीन क्या हो जाती है? फेल हो जाती है, डैमेज हो जाती है, खराब हो जाती है, तो क्या कर सकते हैं? दूसरा मशीन उसका लोड, दूसरा डिवाइस, दूसरा कंप्यूटर उसका लोड क्या कर सकता है? शेयर कर सकता है. फाइन, नाउ यू हैव स्केलेबिलिटी. ओके, स्केलेबिलिटी क्या होता है? द कैपेसिटी टू बी चेंज्ड इन साइज और स्केल. ठीक है,
साइज चेंज करने की कैपेसिटी. ओके, इट्स सिंपल टू ऐड मोर प्रोसेसर्स और कंप्यूटर्स. अगर आपको जरूरत है नेटवर्क, अगर आप बनाते हो तो क्या कर सकते हो, आप जितने चाहो उतने उसके अंदर प्रोसेसर्स ऐड कर सकते हो, कंप्यूटर्स ऐड कर सकते हो. तो ये नहीं है कि एक बार नेटवर्क बन गया तो आप उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं कर सकते, नहीं, इट कैन बी चेंज. ओके, यू कैन एक्सपेंड इट. ओके, आप उसको एक्सपेंड कर सकते हो. ओके, जो भी चेंज करना चाहते हो आप कर सकते हो नेटवर्क में, जब आप नेटवर्क क्रिएट करते हो. ओके ओके, इंफॉर्मेशन एक्सेस, रिमोट इंफॉर्मेशन एक्सेस, एक्सेस टू द इंटरनेट. इन रिमोट इंफॉर्मेशन क्या होता है, जो बहुत दूर होती है इंफॉर्मेशन, उस इंफॉर्मेशन को हम एक्सेस कर सकते हैं. एक्सेस टू द इंटरनेट, इंटरनेट क्या है, नेटवर्किंग के थ्रू आपको मिलता है. ओके, आप वायरलेस इंटरनेट यूज करते हो या आप वायर्ड इंटरनेट यूज करते हो, क्या है, दिस इज यू आर गेटिंग इंटरनेट बिकॉज ऑफ नेटवर्किंग. ओके, ई मेल फैसिलिटी आपको नेटवर्किंग की हेल्प से मिल रही है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आप कर सकते हो, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो, देर सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन डू. ओके, नाउ यू हैव कम्युनिकेशन एंड मेल, आप कम्युनिकेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ नेटवर्किंग, राइट, आप मेल सेंड कर सकते हो, पीपल लिविंग अपार्ट कैन वर्क टुगेदर. अब ऑफिस में क्या होता है, जैसे एक ऑफिस है, ओके, उसमें फ्लोर्स है 1, 2, 3, 4, और जितने भी फ्लोर्स है उसके कंप्यूटर्स क्या कनेक्टेड है. ओके, तो फ्लोर 1 में जो नोड है, जो वर्क स्टेशन है, वहां से मैसेज सेंड किया जा सकता है फ्लोर 2 पे 3 पे 4 पे, जहां पे भी आप सेंड करना चाहते हो, राइट. देन एंटरटेनमेंट, दैट इज एंटरटेनमेंट दैट इज इंटरेक्टिव, आप इंटरेक्टिव एंटरटेनमेंट आपको मिलता है, ऑनलाइन गेम्स आप खेलते हो, वीडियोस आप देखते हो, सोशल नेटवर्किंग आप यूज करते हो, तो दिस ऑल यू आर गेटिंग बिकॉज ऑफ नेटवर्किंग. ओके ओके, नाउ वी हैव टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क. कंप्यूटर नेटवर्क कितने टाइप के होते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क कैन बी कैटेगराइज बाय देयर साइज. अब यहाँ पे हम साइज के अकॉर्डिंग नेटवर्क्स क्रिएट कर रहे हैं. कंप्यूटर नेटवर्क इज मेनली ऑफ 4 टाइप्स, वैसे तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं बट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चलेंगे. तो जो मेन नेटवर्क है, टाइप्स है, वो है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, एंड वी विल डिस्कस देम वन बाय वन. ओके ओके, फर्स्ट वी हैव लैन, लोकल एरिया नेटवर्क. लोकल एरिया नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू ईच अदर इन अ स्मॉल एरिया सच एज बिल्डिंग, ऑफिस. ओके, जब हम कंप्यूटर्स को ज्वाइन करके एक छोटा सा नेटवर्क बनाते हैं, ओके, एक लोकल एरिया में एक छोटा सा नेटवर्क बनाते हैं कंप्यूटर्स को ज्वाइन करके, उसे बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क. ओके, इसका एग्जांपल जैसे आपने बिल्डिंग में कंप्यूटर्स जितने भी थे उनको कनेक्ट करके नेटवर्क बनाया ऑफिस में, इसका एक एग्जाम्पल आप अपने स्कूल्स में भी देखते हैं, आपकी स्मार्ट क्लासेस होती है. ओके, क्लासेस में क्या होता है, टर्मिनल्स लगे होते हैं. ओके, एंड एक मेन सर्वर होता है, उससे वो कनेक्टेड होते हैं, ऑल द टर्मिनल्स आर कनेक्टेड, राइट. जितने भी टर्मिनल्स होते हैं, मतलब जितने भी दे आर लाइक कंप्यूटर्स, जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं वो एक मेन सर्वर से कनेक्ट होते हैं. टीचर्स क्या करते हैं, मेन सर्वर वाले कंप्यूटर पे अपना डेटा लोड कर देते हैं, जिस भी क्लास में जाना होता है वहां अपना फोल्डर ओपन करके क्या करते हैं, क्लास में जो भी पढ़ाना होता है पढ़ाते हैं, राइट. तो किसका एग्जाम्पल हो गया, लोकल एरिया नेटवर्क का हो गया. ओके, तो एक जब आप स्मॉल एरिया में नेटवर्क क्रिएट करते हो उसे लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं. LAN is used for connecting two or more computers through a communication medium such as twisted pair or twisted pair coaxial cables. अब जब हम LAN create कर रहे हैं तो हम wires का यहाँ पे use कर रहे हैं. ओके, twisted pair cables आप use कर सकते हो. ओके, ट्विस्टेड पेयर्स कौन से वायर्स होते हैं, कॉपर वायर्स होते हैं, आपस में क्या होते हैं, वो एक दूसरे से आपस में ज्वाइन होते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल्स, राइट. कोएक्सियल केबल्स भी यूज होता है लैन फॉर्मेशन में, कोएक्सियल केबल्स. ओके, जो आपका आपके केबल टीवी में जो वायर यूज होता है वो लैन लोकल एरिया नेटवर्क क्रिएट करने के लिए भी यूज होता है. ओके ओके, नाउ नेक्स्ट, इट इज लेस कॉस्टली एज इट इज बिल्ट विद इन एक्सपेंसिव हार्डवेयर सच एज हब्स. और ये बहुत ही, इसकी जो कॉस्ट आती है लैन क्रिएट करने की वो बहुत कम होती है, क्योंकि जो इसमें हार्डवेयर यूज होते हैं वो भी इन एक्सपेंसिव होते हैं, वो भी बहुत ज्यादा महंगे नहीं होते, लाइक हब्स उसमें यूज करते हो आप, नेटवर्क एडेप्टर्स, इथरनेट केबल्स. ओके, सो दीज हार्डवेयर आर नॉट वेरी मच एक्सपेंसिव, राइट. डेटा इज ट्रांसफर्ड एट
एंड एक्सट्रीमली फास्टर रेट इन लोकल एरिया नेटवर्क. अब क्या है, एक छोटे से एरिया में आपने क्या किया, कंप्यूटर्स को ज्वाइन किया है, तो उसके बीच में कंप्यूटर्स के बीच में क्या होता है, डेटा बहुत फास्ट स्पीड में क्या करता है, ट्रांसफर होता है. ओके, लोकल एरिया नेटवर्क प्रोवाइड्स हायर सिक्योरिटी. और लोकल एरिया नेटवर्क में क्या हो सकता है, आपने अपने खुद के सिक्योरिटी मीजर्स, फायरवॉल आप क्या कर सकते हो, स्टेब्लिश कर सकते हो. ओके, सो बेसिकली व्हाट इज लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क इज द नेटवर्क दैट यू क्रिएट विद इन अ स्मॉल एरिया लाइक अ बिल्डिंग और द ऑफिस एरिया लाइक कैंपस, स्कूल नेटवर्क. ओके, नेक्स्ट वी हैव द पर्सनल एरिया नेटवर्क. पर्सनल एरिया नेटवर्क पैन इज द स्मॉलेस्ट नेटवर्क विच इज वेरी पर्सनल टू अ यूजर. पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होता है, जो एक यूजर अपने पर्सनल यूज के लिए क्रिएट करता है, राइट. दिस में इंक्लूड ब्लूटूथ इनेबल डिवाइसेस और इंफ्रारेड इनेबल डिवाइसेस. तो इसमें किसका यूज होता है, ब्लूटूथ इनेबल डिवाइसेस का यूज होता है, मतलब जिसमें आप ब्लूटूथ का यूज करते हो, और जो डिवाइसेस इंफ्रारेड रेज का यूज करती है. ओके, पेन हैज कनेक्टिविटी रेंज अप टू 10 मीटर. सो जो आप पेन जो होता है, जो पेन नेटवर्क क्रिएट करते हो, उसकी रेंज क्या है, 10 मीटर्स तक ही है. ओके, पेन में इंक्लूड वायरलेस कंप्यूटर कीबोर्ड. इसके अंदर आप वायरलेस कीबोर्ड को कनेक्ट करते हो कंप्यूटर से, माउस, वायरलेस माउस को कनेक्ट करते हो, ब्लूटूथ इनेबल हेडफोन्स को कनेक्ट करते हो, वायरलेस प्रिंटर्स को आप कनेक्ट करते हो, टीवी रिमोट्स. ओके, तो जो आप एक स्मॉल, जैसे आप क्या करते हो, जैसे आप एक एग्जाम्पल हो, आप क्या करते हो, आप सॉन्ग्स ट्रांसफर करते हो वन मोबाइल फोन से दूसरे मोबाइल फोन में वाया ब्लूटूथ. ये भी क्या है, ये है पर्सनल एरिया नेटवर्क. ठीक है, आपने एक छोटा सा नेटवर्क क्रिएट किया और वन डिवाइस से आप दूसरे डिवाइस में क्या कर रहे हो, डेटा ट्रांसफर कर रहे हो, एंड एंड डेटा इज ट्रांसफरिंग वाय ब्लूटूथ. ओके, तो दिस इज वॉट, दिस इज पर्सनल एरिया नेटवर्क. ओके, नेक्स्ट वी हैव मैन मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क. मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जनरली एक्सपेंस टू आउटर सिटी सच एज केबल टीवी नेटवर्क. मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या होता है, वो पूरे एक पर्टिकुलर सिटी तक फैला होता है. जैसे लैन क्या था, एक बिल्डिंग तक कन्फाइंड था, एक कैंपस तक आप लगा लो. पैन क्या था, पर्सनल यूज के लिए नेटवर्क है. ओके, मेन क्या है, कंप्लीट सिटी को कवर करता है, राइट. मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज अ नेटवर्क डेट कवर्स अ लार्जर जियोग्राफिक एरिया बाय इंटरकनेक्टिंग डिफरेंट लेंस टू फॉर्म अ लार्जर नेटवर्क. अभी क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया जो होता है, छोटे छोटे लेंस को कनेक्ट करके बनता है. ओके, एक सिटी है, उसमें जितने भी छोटे छोटे लेंस है उसको कनेक्ट करके एक बड़ा नेटवर्क बन जाएगा, जिसे हम बोलेंगे मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. मैन कैन हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन टू कनेक्ट ऑल ऑफ इट्स ऑफिसेस इन अ सिटी. अब मैन का क्या फंक्शन है, क्या इसका यूज है, जैसे आप लगा लो, जैसे यहाँ पे विशाल मेगा मार्ट है. ओके, उसके जितने भी स्टोर्स हैं, राइट, दे आर कनेक्टेड टू द मेन हेड ऑफिस. उनका सिटी के अंदर एक हेड ऑफिस है. ओके, जहाँ पे क्या होता है, उनकी जितनी भी सेल्स एंड परचेज होती है, उसका पूरा क्या होता है, पूरा मैनेज किया जाता है, राइट. जितने भी स्टोर्स हैं वो सारे कनेक्टेड है एक दूसरे से, और वो क्या करते हैं, मेन हेड ऑफिस में अपनी सारी सेल्स परचेज का डिटेल सेंड करते हैं, राइट. बैकबोन ऑफ मैन इज हाई कैपेसिटी एंड हाई स्पीड फाइबर ऑप्टिक, और यू कैन से ऑप्टिकल फाइबर. अच्छा, मैन जब आप क्रिएट करते हो, ओके, मैन जब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्रिएट होता है, तो उसको, उसके क्रिएशन में किसका यूज होता है, कौन से वायर का यूज होता है, फाइबर ऑप्टिक वायर का. ओके, उसको ऑप्टिकल फाइबर भी बोलते हैं, राइट. इसमें कैसे इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है, इसमें लाइट वेव्स की फॉर्म में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है. ठीक है, कनेक्टिविटी जब होती है, जब नेटवर्क क्रिएट होता है, तो डेटा जो ट्रांसफर होता है वो लाइट के फॉर्म में ट्रांसफर होता है. ओके, और यहाँ पे क्या होता है, ये इसको फाइबर ऑप्टिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो वायर होता है वो या तो ग्लास का बना होता है या बहुत ही थिन प्लास्टिक का, राइट. ओके, मैन वर्क्स इन बिटवीन लोकल एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क. अब जो मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया, उसका एक काम और होता है, वो क्या करता है, लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट करता है वाइड एरिया नेटवर्क से. फाइन, और मैन बनता कैसे है, जितने भी लोकल एरिया नेटवर्क्स होते हैं विद इन अ सिटी, उनको कनेक्ट करके बनता है. मैन प्रोवाइड्स अपलिंक फॉर लैंस टू वैंस और इंटरनेट. अपलिंक क्या होता है, कम्युनिकेशन लिंक. ओके, अपलिंक क्या होता है, कम्युनिकेशन लिंक. तो मैन क्या प्रोवाइड करता है, कम्युनिकेशन लिंक प्रोवाइड करता है लैंस को,
ठीक है, ठीक है, टू वेन्स और इंटरनेट। तो जो एक मैन होता है वो क्या करता है, उसके अंदर जितने भी लेंस आते हैं उनको कनेक्ट करता है एक हाईर नेटवर्क से, वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क से उनको कनेक्ट करता है। फाइन, ओके। तो इट इज लाइक अ कम्युनिकेशन लिंक। मैन क्या होता है, जितने भी उसके अंदर लेंस है उन मैन कैसे बना, लेंस को कनेक्ट करके बना। ओके, एंड नाउ इट इज प्रोवाइडिंग अ मीडियम टू कनेक्ट दीज लेंस टू द वैन, ओके, वाइड एरिया नेटवर्क। अंडरस्टूड? तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या है, जो विद इन अ सिटी होता है, ओके, और वो कैसे बनता है, सिटी के अंदर जितने भी लेंस होते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बहुत सारे होते हैं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था आपको विशाल मेगा मार्ट का, कि उसके जितने भी स्टोर्स है उसके लेंस नेटवर्क कनेक्ट होके मैन नेटवर्क को क्रिएट करेंगे। फाइन, और इसको बनाने के लिए किसका यूज होता है, फाइबर ऑप्टिकल का यूज होता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज वाइड एरिया नेटवर्क। अ वाइड एरिया नेटवर्क इज द नेटवर्क दैट एक्सटेंड्स ओवर अ लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया सच एज स्टेट्स और कंट्रीज। वाइड एरिया नेटवर्क कौन सा नेटवर्क है, जो थ्रू आउट द वर्ल्ड फैला हुआ है, ओके, जो डिफरेंट कंट्रीज को कनेक्ट करके, जिसने डिफरेंट कंट्रीज को कनेक्ट किया हुआ है। ओके, दीज नेटवर्क प्रोवाइड कनेक्टिविटी टू मैंस एंड लैंड्स, राइट। और ये क्या, जो वाइड एरिया नेटवर्क बनता है वो कैसे बनता है, लेंस और मेंस को कनेक्ट करके बनता है। फाइन, वाइड एरिया नेटवर्क स्पेंस ओवर अ लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया थ्रू टेलीफोन लाइंस, फाइबर ऑप्टिक केबल्स और सैटेलाइट लिंक्स। तो इसके अंदर आप टेलीफोन लाइंस का भी यूज करते हो, फाइबर ऑप्टिक्स का भी यूज करते हो, सैटेलाइट लिंक्स का भी यूज करते हो। जैसे लेंस क्रिएट कर रहे हो तो उसमें केबल्स यूज हो रहा है, फिर लेंस कनेक्ट करके क्या बन जाएगा, मैन, मैन के अंदर आप फाइबर ऑप्टिक का यूज कर रहे हो, एंड देन मैन इज कनेक्टेड टू द वाइड एरिया नेटवर्क। फाइन, ओके, इंटरनेट इज वन ऑफ द बिगेस्ट। और जो वैन का एग्जांपल क्या है, इंटरनेट, आपको पता है इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क है जो थ्रू आउट द वर्ल्ड फैला हुआ है, राइट। तो इंटरनेट किसका एग्जांपल है, वैन का एग्जांपल है। फाइन, वाइड एरिया नेटवर्क इज वाइडली यूज्ड इन द फील्ड ऑफ बिजनेस, गवर्नमेंट एंड एजुकेशन। और वाइड एरिया नेटवर्क का यूज कहाँ कहाँ है, इसका यूज हर जगह है, बिजनेस हो, गवर्नमेंट हो, एजुकेशन हो, एवरीवेयर, राइट। जैसे इंटरनेट है, वी कांट थिंक ऑफ आवर लाइफ विदाउट इंटरनेट, ओके। अभी जो हमारे अभी जो जनरेशन है वो इंटरनेट के बिना अपनी लाइफ को थिंक ही नहीं कर सकती, सोच ही नहीं सकती कि इंटरनेट के बिना वो रह सकते हैं, राइट। बिकॉज नाउ वी आर टूडे इन टूडेज लाइफ वी आर टोटली डिपेंडिंग ऑन दैट नेटवर्क, ओके। तो वैन क्या है, वो नेटवर्क जो थ्रू आउट द वर्ल्ड फैला हुआ है। नाउ वी विल डिस्कस द नेटवर्क डिवाइसेस। जब आप नेटवर्क क्रिएट करते हो, उसको क्रिएट करने के अंदर कौन से डिवाइसेस का आप यूज करोगे, ठीक है, कौन कौन से डिवाइसेस उसमें यूज होते हैं। सबसे पहले हमारे पास मॉडम, मॉडम इज ऑल्सो कॉल्ड एज मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर, राइट। इट इज अ हार्डवेयर डिवाइस डेट कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल्स टू एनालॉग सिग्नल्स एट द सेंडर साइट, ओके। अब देखो, जो कंप्यूटर्स होते हैं वो कौन से सिग्नल्स यूज करते हैं, वो डिजिटल सिग्नल्स का यूज करते हैं कंप्यूटर्स। फाइन, ओके, डिजिटल सिग्नल्स कौन से होते हैं, डिजिटल सिग्नल्स नॉन कॉन्टिन्यूअस सिग्नल्स होते हैं, ठीक है, जो ब्रेक कर करके आपको मिलते हैं वो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं। जब सिग्नल्स होता है दैट इज कंसीडर्ड एज वन, एंड व्हेन देयर इज नो सिग्नल दैट इज कंसीडर्ड एज जीरो, राइट। तो कंप्यूटर्स के अंदर क्या होता है, डिजिटल सिग्नल्स का यूज होता है, जो क्या कौन से होते हैं, नॉन कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं। फाइन, राइट। तो क्या है, इट कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल्स टू एनालॉग सिग्नल्स। एनालॉग डिजिटल सिग्नल्स को कन्वर्ट कर देता है एनालॉग सिग्नल्स में, ओके, कहाँ पे, सेंडर्स कंप्यूटर्स में। जब आपको एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में टेलीफोन लाइंस के थ्रू डेटा सेंड करना है, राइट, टेलीफोन लाइंस के थ्रू, जैसे हमारे मॉडेम्स, जब आप इंटरनेट, मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब आप इंटरनेट कनेक्शन लेते हो, ओके, तो क्या होता है उसमें वो मॉडेम भी लगा के जाते हैं। तो मॉडेम किस लिए लगाते हैं, और टेलीफोन लाइंस से कनेक्ट करते हैं आपके सिस्टम को, जब आप लैंडलाइन कनेक्शन लेते हो, ओके। तो क्या होता है, मॉडेम इसलिए कनेक्ट करते हैं कि आपके कंप्यूटर्स के जो भी सिग्नल्स हैं वो मॉडेम क्या करता है, कन्वर्ट कर देते हैं एनालॉग सिग्नल्स में। वाई, बिकॉज कंप्यूटर्स के अंदर डिजिटल सिग्नल्स यूज होते हैं, बट जब वो टेलीफोन लाइंस के थ्रू ट्रेवल करेंगे वो एनालॉग फॉर्म में ट्रेवल करेंगे, वो डिजिटल फॉर्म में ट्रेवल नहीं कर सकते, वो एनालॉग फॉर्म में ट्रेवल करेंगे। एनालॉग क्या होता है, कॉन्टिन्यूस सिग्नल्स होते हैं जिनकी वेवलेंथ क्या करती है, डिफर करती है, वेरी करती है, कभी हाई कभी लो, कभी हाई कभी लो,
लाइक दिस, ऐसे करके। ये हमारे क्या होते हैं, एनालॉग सिग्नल्स होते हैं ये वाले, दीज आर एनालॉग्स। और डिजिटल सिग्नल्स कैसे होते हैं, डिजिटल सिग्नल्स ऐसे होंगे, ऐसे नॉन कॉन्टिन्यूस, ठीक है। यहाँ पे सिग्नल्स है कंसिडर्ड एज वन, सिग्नल नहीं है जीरो, वन जीरो, लाइक दिस, बाइनरी फॉर्म में होते हैं, राइट। तो मॉड्यूलेटर क्या करता है, सेंडर्स की साइड पर डिजिटल सिग्नल्स को कन्वर्ट कर देता है एनालॉग सिग्नल्स में, ठीक है। और इस प्रोसेस को कहते हैं मॉड्यूलेशन, ठीक है, ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं मॉड्यूलेशन, ओके। एंड कन्वर्ट्स बैक एनालॉग सिग्नल्स टू डिजिटल एट द रिसीवर एंड। यहाँ पे इसने सेंडर्स के एंड पे क्या किया, सेंडर्स की साइड पे क्या किया, डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में कन्वर्ट कर दिया, जिससे कि वो ट्रेवल कर सके टेलीफोन लाइन्स के थ्रू, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट कंप्यूटर है, जो रिसीवर कंप्यूटर है वो रिसीव करेगा, लेकिन कंप्यूटर क्या है, एनालॉग नहीं समझता, उसे डिजिटल चाहिए। तो यहाँ पे अगेन मॉडेम क्या करेगा, जो एनालॉग सिग्नल्स हैं उनको कन्वर्ट कर देगा डिजिटल सिग्नल्स में। अभी क्या करेगा, एनालॉग को कन्वर्ट कर देगा डिजिटल सिग्नल्स में। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डीमॉड्यूलेशन, ठीक है। इसीलिए इसको बोला जाता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। पहले ये किसका काम करता है, मॉड्यूलेटर का काम करता है, ठीक है। ये सेंडर्स की साइड पे क्या करता है, मॉड्यूलेटर का काम करता है। रिसीवर की साइड पे क्या करता है, डीमॉड्यूलेटर का काम करता है। फाइन, कन्वर्जन ऑफ डिजिटल सिग्नल्स टू एनालॉग इज कॉल्ड एज मॉड्यूलेशन, ओके। एंड कन्वर्जन ऑफ एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल इज कॉल्ड एज डीमॉड्यूलेशन। समझ आया, ओके। इन ऑर्डर टू मेक द कम्युनिकेशन पॉसिबल वाया टेलीफोन लाइन्स, ठीक है, समझ आया। टेलीफोन लाइन्स के थ्रू कम्युनिकेशन को पॉसिबल करने के लिए मॉडेम का यूज किया जाता है। इट इनेबल्स अ कंप्यूटर टू ट्रांसमिट डेटा ओवर टेलीफोन और केबल लाइन्स, राइट। There are two types of modem which are as follow. दो तरीके के मॉडम्स होते हैं, इंटरनल मॉडम जो आपके सिस्टम में कंप्यूटर में फिक्स होता है, अंदर होता है, फिक्स्ड विद इन अ कंप्यूटर, राइट। एक्सटर्नल मॉडम कनेक्टेड एक्सटर्नली टू अ कंप्यूटर, एक्सटर्नल मॉडम वो होता है जो आप बाहर से कनेक्ट करते हो अपने कंप्यूटर में, अपने सिस्टम में। फाइन, समझ आ गया। मॉडम वो डिवाइस है जिसका यूज करते हो आप अपने कंप्यूटर्स में, जब इंटरनेट कनेक्शन लेते हो तो मॉडेम आपका यूज होता है। वाई, बिकॉज जब आपका डेटा ट्रेवल करता है टेलीफोन लाइंस के थ्रू, तो उस डेटा को तभी ट्रेवल करेगा जब आप मॉडेम का यूज करोगे, राइट। फाइन, ठीक है, अगेन मैं समझा देती हूँ। सेंडर की साइड पे वो क्या करता है, डिजिटल जो सिग्नल्स कंप्यूटर के अंदर होते हैं उनको एनालॉग में कन्वर्ट कर देता है, इस प्रोसेस को मॉड्यूलेशन कहते हैं, ओके। और जब रिसीवर के पास वो सिग्नल्स पहुंचते हैं तो अगेन उनको एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट कर देता है, इसको डीमॉड्यूलेशन बोलते हैं। इसलिए मॉडेम को हम मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर भी कहते हैं, ओके। द नेक्स्ट डिवाइस इज हब। अ नेटवर्क हब इज अ डिवाइस, हार्डवेयर डिवाइस डेट अलाउज मल्टीपल कंप्यूटर्स टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर ओवर अ नेटवर्क। अब हब क्या है, एक डिवाइस है, ठीक है। देखो यहाँ पे आप पिक्चर में देखो, हब क्या है, डिवाइस है जिसमें क्या है, पोर्ट्स बने हुए हैं, ओके। और इन पोर्ट्स के, ये पोर्ट्स को, इन पोर्ट्स को हम क्या बोलते हैं, इनको हम इथरनेट पोर्ट्स बोलते हैं, राइट। जो इसके अंदर पोर्ट्स बने हुए हैं उसको हम इथरनेट पोर्ट्स बोलते हैं, ठीक है। इथरनेट पोर्ट क्या होते हैं, जैक, जैक या फिर आप कह सकते हो सॉकेट, ठीक है। जैसे आपके सॉकेट्स होते हैं उसके अंदर आप प्लग्स लगाते हो, ठीक है, इलेक्ट्रिकल प्लग्स लगाते हो, ऐसे ही यहाँ पे क्या है, ये सॉकेट्स हैं जिसके अंदर आप क्या, जिसके अंदर आप क्या प्लग करते हो, क्या प्लग इन करते हो, इथरनेट केबल्स प्लग इन करते हो, ठीक है, इथरनेट केबल्स प्लग इन करते हो, राइट, ओके। तो क्या है, कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। सारे कंप्यूटर्स को आपने क्या किया है, कनेक्ट किया है हब से। तो हब क्या है, यहाँ पे एक नेटवर्क क्रिएट करने में हेल्प कर रहा है, राइट, ओके। क्या है, अ नेटवर्क हब इज अ हार्डवेयर डिवाइस दैट अलाउस मल्टीपल कंप्यूटर्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। अब क्या है, इसमें क्या है, हब से कनेक्ट होके जो जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो एक दूसरे से भी कनेक्ट हो गए, उनका नेटवर्क बन गया, राइट, ओके। इट हैज सेवरल इथरनेट पोर्ट्स दैट आर यूज टू कनेक्ट टू और मोर नेटवर्क डिवाइसेस टूगेदर, ओके। अब जितने भी कंप्यूटर्स थे, ओके, वो इथरनेट केबल की हेल्प से क्या कनेक्ट, हब से कनेक्ट हुए, राइट। और हब से कनेक्ट होने के बाद वो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो चुके हैं,
इन सब का क्या बन गया, इंक्लूडिंग हब, इन सब का क्या बन गया है, नेटवर्क बन गया है। ईच कंप्यूटर और डिवाइस कनेक्टेड टू द हब कैन कम्युनिकेट विद एनी अदर डिवाइस कनेक्टेड टू वन ऑफ द हब्स इथरनेट पोर्ट। अब इसका मीनिंग क्या है, अब ये क्या, ये सारे एक नेटवर्क में, अब जितना ये हब है और जितने भी कंप्यूटर्स है वो एक नेटवर्क के अंदर ज्वाइन हो चुके हैं। तो कोई भी कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर में क्या कर सकता है, डेटा सेंड कर सकता है। फाइन, दे ऑल कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर, जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, राइट। हब्स आर सिमिलर टू स्विचेस बट आर नॉट एज स्मार्ट। ठीक है, हब किसकी तरह होता है, स्विचेस की तरह होता है, बट उसकी तरह स्मार्ट नहीं होता। स्मार्ट क्यों नहीं होता, व्हाइल स्विचेस सेंड इनकमिंग डेटा टू अ स्पेसिफिक पोर्ट, हब ब्रॉडकास्ट ऑल इनकमिंग डेटा टू द एक्टिव पोर्ट्स। स्विच क्या करता है, एक पर्टिकुलर डेटा है जो उसको, जो वो रिसीव करता है वो उसी पोर्ट के पास सेंड करेगा, पोर्ट मतलब उसी कंप्यूटर के पास सेंड करेगा जिसके लिए वो डेटा है। पर हब क्या करता है, इसके पास जो भी डेटा आता है वो सबको दे देता है, सबके पास वो सेंड कर देता है, जितने भी पोर्ट्स होते हैं, जितने भी एक्टिव पोर्ट्स होते हैं, हब के पास डेटा आया, जितने भी इसके पास कंप्यूटर्स हैं, कनेक्टेड कंप्यूटर्स है, वो सबको सेंड कर देगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल, इफ फाइव डिवाइसेज आर कनेक्टेड टू एन एट पोर्ट हब, ऑल डेटा रिसीव बाय द हब इज रिले टू द फाइव एक्टिव पोर्ट। ठीक है, एक एट एक पोर्ट एट पोर्ट का हब है, राइट, जिसके अंदर फाइव एक्टिव पोर्ट है, मतलब फाइव डिवाइसेस कनेक्टेड है, तो वो क्या करेगा, फाइव के फाइव डिवाइसेस को डेटा सेंड कर देगा, जो भी डेटा उसके पास आएगा। ओके, व्हाइल दिस एंश्योर्स द डेटा गेट्स टू द राइट पोर्ट, इट ऑल्सो लीड टू इन इनएफिशियंट यूज ऑफ द नेटवर्क बैंडविड्थ। ठीक है, अब क्या है, सबके पास चला गया, जिसको चाहिए था उसको तो मिल गया, बस जिसको नहीं चाहिए था उसके पास भी यूजलेसली डेटा डिलीवर हो चुका है। तो इसका एक ड्रॉबैक क्या है, इसमें क्या होता है, इनएफिशियंट यूज ऑफ नेटवर्क बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या होता है, ठीक है, बैंडविड्थ क्या होता है, स्पेस, ठीक है, जिस मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसमिटेड ओवर एन इंटरनेट कनेक्शन इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम, उसे बोलते हैं बैंडविड्थ, राइट। ठीक है, तो ये क्या है, नेटवर्क की जो स्पेस है जहां से डेटा ट्रेवल होना है वो क्या हो रखा है, वो वेस्ट हो रहा है। फाइन, फॉर दिस रीजन स्विचेस आर मच मोर कॉमनली यूज देन हब। तो इसमें यहाँ पे इसका एक ड्रॉबैक है कि हब क्या करता है, जो भी डेटा रिसीव करता है वो अपने सारे के सारे पोर्ट्स, एक्टिव पोर्ट्स होते हैं वहां पे डिलीवर कर देता है, राइट। तो इससे क्या होता है कि वेस्टेज हो रही है नेटवर्क बैंडविड्थ की, ओके, राइट, उस डेटा का भी वेस्ट हो रहा है, उसकी कॉपीज जा रही है, ओके, तो क्या हो रहा है, उसका बैंडविड्थ का वेस्ट हो रहा है। फाइन, तो यहाँ पे फिर इसलिए हम क्या यूज करते हैं, स्विच का यूज करते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ हब, हब दो टाइप्स के होते हैं, एक्टिव हब एंड पैसिव हब। एक्टिव हब, इट एक्ट्स एज रिपीटर, इट एम्पलीफाइज द सिग्नल्स एज दे मूव फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। एक्टिव हब क्या करता है, एक रिपीटर की तरह काम करता है, ठीक है, इट एम्पलीफाइज, एम्पलीफाइज क्या करना, क्या होता है, रीजनरेट करना, उसको दोबारा से जनरेट करना, ठीक है, इट एम्पलीफाइज द सिग्नल्स एज दे मूव फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। ठीक है, एक्टिव हब क्या करता है, जो भी सिग्नल्स उसे मिलते हैं उनको क्या करता है, दोबारा से जनरेट करता है, ओके, और फिर उसे डिलीवर करता है। फाइन, पैसिव हब, इट सिंपली पासेस द सिग्नल फ्रॉम वन कनेक्टेड डिवाइस टू द अनदर। पैसिव हब क्या करता है, सिर्फ सिग्नल्स पास करता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, वो कोई भी एम्पलीफिकेशन नहीं करता, राइट। तो क्या है, एक्टिव हब क्या करता है, जो भी उसको सिग्नल्स मिलते हैं उनको पावर प्रोवाइड करता है, उनको रीजनरेट करता है, उनको उसके बाद सिग्नल्स को क्या करता है, ट्रांसफर करता है, फाइन, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। लेकिन पैसिव हब क्या करता है, सिंपली सिग्नल्स रिसीव करता है और उसे डिवाइस में, जितने भी उससे कनेक्टेड डिवाइस होते हैं उनको ट्रांसफर कर देता है, फाइन, ओके। नेक्स्ट वी है स्विच। अ स्विच इज अ हार्डवेयर डिवाइस दैट इज यूज टू सेगमेंट, सेगमेंट का क्या होता है, डिवाइड करना, दैट इज यूज टू सेगमेंट नेटवर्क्स इनटू डिफरेंट सब नेटवर्क्स कॉल्ड सबनेट और लैन सेगमेंट। अब स्विच क्या करता है, जो बड़ा नेटवर्क होता है, ठीक है, उसको छोटे छोटे स्मॉल नेटवर्क्स में डिवाइड कर देता है, राइट, मतलब स्मॉल नेटवर्क में आपने एक छोटा सा स्विच लगा के छोटा सा नेटवर्क बनाया, वो कनेक्ट हो जाएगा दूसरे छोटा सा नेटवर्क बनाया उससे कनेक्ट हो जाएगा। तो एक बड़े नेटवर्क के क्या करता है, छोटे छोटे सेगमेंट्स बना देता है, जिनको हम सब नेटवर्क कहते हैं या सब नेट्स भी बोलते हैं, या आप उसको लैन सेगमेंट्स भी बोल सकते हो, राइट। सेगमेंटिंग द नेटवर्क इंटू स्मॉलर सब नेट्स प्रिवेंट
ट्रैफिक ओवरलोडिंग इन अ नेटवर्क। अब सेगमेंटिंग का क्या यूज है, इसको बनाने से क्या होता है, जितना वो ट्रैफिक मतलब डेटा ट्रांसफर करता है बहुत ज्यादा ओवरलोड होता है। ट्रैफिक ओवरलोडिंग मीन्स जब बहुत ज्यादा डेटा ट्रांसफर होता है तो उसका क्या होता है, लोड कम हो जाता है। जब छोटे छोटे नेटवर्क बन जाते हैं तो डेटा ओवरलोडिंग क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, इट प्रिवेंट्स ट्रैफिक ओवरलोडिंग इन अ नेटवर्क। स्विच फॉरवर्ड से डेटा पैकेट टू अ स्पेसिफिक रूट बाय एस्टेब्लिशिंग अ टेम्परेरी कनेक्शन बिटवीन द सोर्स एंड द डेस्टिनेशन। अब स्विच क्या करता है, जो भी डेटा सेंड करना है उसके लिए एक स्पेसिफिक रूट को क्या करता है, बनाता है। ठीक है, और वो क्या होता है, टेम्परेरी रूट बनाता है, टेम्परेरी कनेक्शन बनाता है। ओके, डेटा डिलीवर करता है और फिर वो क्या करता है, उस कनेक्शन को टर्मिनेट कर देता है, फिनिश कर देता है। ठीक है, आफ्टर द ट्रांसमिशन द कनेक्शन इज टर्मिनेटेड। फाइन, जैसे इंटरनेट है, ठीक है, राउटर को मिला, राउटर ने स्विच को सेंड किया, स्विच ने क्या किया, उसे जितने भी डिवाइस उसे कनेक्टेड है उनमें से जो जिस डिवाइस में उसको भेजना है, ये सारे डिवाइसेस में नहीं भेजेगा, जिस डिवाइस में उसको भेजना है वहां पे कनेक्शन क्रिएट करेगा। जैसे ही उसका वर्क कंप्लीट हो जाएगा उस कनेक्शन को वो क्या कर देगा, टर्मिनेट कर देगा। फाइन, दिस इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन स्विच एंड हब। हब फॉरवर्ड ईच इनकमिंग पैकेट टू ऑल हब पोर्ट्स व्हाइल अ स्विच फॉरवर्ड ईच इनकमिंग पैकेट टू द स्पेसिफाइड रेसिपिएंट। ठीक है, तो ये हमें पता है हब क्या करता है, सारे के सारे जितने भी कनेक्टेड डिवाइसेस होते हैं उनको डेटा सेंड कर देता है, लेकिन स्विच ऐसा नहीं करता। स्विच पर्टिकुलर डिवाइस जिसके लिए वो डेटा है उसको ही फॉरवर्ड करता है, और एक टेम्परेरी कनेक्शन के थ्रू। और जैसे ही वो डेटा रिसीव हो जाता है, उसका काम हो जाता है, वो कनेक्शन भी वो क्या करता है, टर्मिनेट कर देता है। फाइन, और स्विच का हम यूज किस लिए करते हैं, एक बड़े नेटवर्क को स्मॉल स्मॉल नेटवर्क में डिवाइड करने के लिए। फाइन, नेक्स्ट वी हैव रिपीटर। इट इज अ हार्डवेयर डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू एम्पलीफाई द सिग्नल्स व्हेन दे आर ट्रांसपोर्टेड ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस। रिपीटर क्या है, एक डिवाइस है जिसका हम यूज करते हैं जब लॉन्ग डिस्टेंस से डेटा ट्रांसफर होता है। तो क्या होता है, बीच बीच में उस वीक हो जाते हैं सिग्नल्स, बाहर का डिस्टरबेंस होता है उसकी वजह से हो जाता है, ऑब्स्टिकल्स आते हैं उसकी वजह से सिग्नल्स वीक हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम किसका यूज करते हैं, रिपीटर का यूज करते हैं। ठीक है, तो रिपीटर क्या करता है, सिग्नल्स को रिसीव करता है, उनको एम्पलीफाई करता है, एम्पलीफाई मीन्स उनको रीजनरेट करता है, उनको दोबारा से नया बनाता है। ठीक है, उनको पावर देता है। ठीक है, और उसके बाद उसको आगे ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, तो रिपीटर का यूज कहाँ पे होता है, जहां पे हमें डेटा बहुत ही लार्ज डिस्टेंस पे क्या करना है, ट्रांसफर करना है, लॉन्ग डिस्टेंस पे हमें डेटा को ट्रांसफर करना है। ओके, द बेसिक फंक्शन ऑफ अ रिपीटर इज टू एम्पलीफाई द इनकमिंग सिग्नल्स एंड रिट्रांसमिट डैम ओवर द नेटवर्क। तो एम्पलीफायर, रिपीटर्स आप जगह जगह वहां पे यूज करते हो जहां पे डेटा एक लॉन्ग डिस्टेंस पे क्या करना है, आपको सेंड करना है, तो सिग्नल्स लीक ना हो, इसलिए आप एम्पलीफायर रिपीटर का यूज करते हो, एम्पलीफायर भी बोल सकते हैं इसको, रिपीटर का यूज करते हो। ठीक है, द रिपीटर अलाउज टू ट्रांसफर द डेटा थ्रू लार्ज एरिया डिस्टेंस। ओके, जैसे यहाँ पे लैन ए के थ्रू डेटा आ रहा है, यहाँ पे आपने रिपीटर का यूज किया, इसने जो भी डेटा आया उसको क्या किया, एम्पलीफाई किया, रीजनरेट किया, उसके बाद उसको सेंड कर दिया लैन बी में। राइट, ओके, नेक्स्ट वी हैव राउटर। अ राउटर इज अ नेटवर्किंग डिवाइस दैट फॉरवर्ड्स डेटा पैकेट्स बिटवीन कंप्यूटर नेटवर्क्स। राउटर क्या है, एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो क्या करता है, डेटा पैकेट्स को फॉरवर्ड करता है एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में। ठीक है, ठीक है, एक एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में डेटा पैकेट्स को सेंड करता है। आपको पता है जब इंटरनेट के थ्रू, जब नेटवर्क के थ्रू डेटा ट्रेवल करता है किस फॉर्म में ट्रेवल करता है, वो डेटा पैकेट्स के फॉर्म में ट्रेवल करता है, स्मॉल स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में ट्रेवल करता है। पैकेट्स क्या होते हैं, छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं डेटा के। राइट, इट इंटरकनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क्स। राउटर क्या करता है, नेटवर्क जो अलग अलग नेटवर्क होते हैं उनके बीच में एज अ कनेक्टर काम करता है। ठीक है, एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट करता है। यहाँ पे देखो, इस नेटवर्क को इस लेट अस सपोज दिस इज नेटवर्क ए, तो नेटवर्क ए को कनेक्ट कर रहा है किससे, नेटवर्क बी के साथ। ओके, तो ये नेटवर्क को इंटरकनेक्ट करता है। राइट, द सिंपलेस्ट फंक्शन ऑफ अ राउटर इज टू रिसीव डेटा पैकेट्स फ्रॉम वन कनेक्टेड नेटवर्क एंड पास देम टू द अनदर कनेक्टेड नेटवर्क। इसका फंक्शन क्या है, एक नेटवर्क से डेटा पैकेट्स रिसीव करता है, उनको पास कर देता है दूसरे नेटवर्क। फाइन, अनलाइक ब्रिज, अ राउटर चूजेस द बेस्ट रूट टू सेंड द डेटा पैकेट्स आउट ऑफ सेवरल रूट्स एग्जिस्टिंग इन द नेटवर्क।
ओके अब हमने ये तो देख लिया कि एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में डेटा सेंड कर देता है, लेकिन यहाँ पे एक काम ये करता है कि चूज करता है कि कौन से रूट से ये डेटा को सेंड करेगा। ठीक है, बहुत सारे रूट्स होते हैं पर ये बेस्ट रूट चूज करता है कि किस रूट से इसको डेटा सेंड करना है। फाइन, ओके, नेक्स्ट वी हैव द गेटवे। गेटवे इज अ डिवाइस विच इज यूज टू कनेक्ट डिसिमिलर नेटवर्क। गेटवे क्या है? हार्डवेयर डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, डिसिमिलर नेटवर्क को ज्वाइन करते हैं। लाइक लैन को मैन से ज्वाइन किया, मैन को वैन से ज्वाइन किया, वहां पे आप किसका यूज करो, गेटवे का यूज करो। ठीक है, ऐसे नेटवर्क को ज्वाइन करता है जिनका क्या होता है, आर्किटेक्चर डिफरेंट होता है, जिनके प्रोटोकॉल्स डिफरेंट होते हैं, उन नेटवर्क को ये ज्वाइन करता है। ओके, गेटवे स्टेब्लिशेज एन इंटेलिजेंट कनेक्शन बिटवीन अ लोकल नेटवर्क एंड एक्सटर्नल नेटवर्क। गेटवे क्या करता है, एक कनेक्शन स्टेब्लिश करता है लोकल नेटवर्क के बीच में और एक्सटर्नल नेटवर्क के बीच में। एक्सटर्नल नेटवर्क आपका मैन भी हो सकता है, वैन भी हो सकता है, राइट, विच आर कम्प्लीटली डिफरेंट इन स्ट्रक्चर। और लैन और मैन या वैन का स्ट्रक्चर क्या होता है, एक दूसरे से कम्प्लीटली डिफरेंट होता है, उनके प्रोटोकॉल्स भी डिफरेंट होते हैं, राइट। अ गेटवे इज अ नोड इन द नेटवर्क विच सर्व्स एज अ प्रॉक्सी सर्वर एंड अ फायरवॉल सिस्टम। अब गेटवे यहाँ पे क्या क्या काम कर रहा है, गेटवे क्या इज अ नोड। नोड क्या होता है, कोई भी आप कंप्यूटर ले सकते हो, डिवाइस ले सकते हो, नोड कुछ भी हो सकता है, टर्मिनल है, डिवाइस है, कंप्यूटर है, तो गेटवे क्या है, एक नोड है। ठीक है, जो दो काम करता है, एक तो प्रॉक्सी सर्वर का काम करता है, एक फायरवॉल का काम करता है। ठीक है, ओके, एंड प्रिवेंट्स द अनऑथोराइज्ड एक्सेस। अब जब वो फायरवॉल का काम करता है तो जो बाहर से डेटा आ रहा है लैन में, ठीक है, जो लैन के अंदर डेटा आ रहा है, तो उसमें वो क्या करेगा, उसमें वो सिक्योर डेटा को ही अलाउ करेगा वैन से लैन में ट्रांसफर होने के लिए। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, एज अ फायरवॉल एक्ट करेगा, राइट, ओके, इट होल्ड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ वेबसाइट। अब प्रॉक्सी सर्वर का भी फर्स्ट इसका काम हो गया फायरवॉल का, फायरवॉल में उसने क्या किया, सिक्योर डेटा को ही सिर्फ ट्रांसफर होने दिया है। सेकंड काम क्या है प्रॉक्सी सर्वर का, प्रॉक्सी सर्वर क्या करता है, इट होल्ड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेबसाइट टेम्परेली सो डेट द रिपीटेड एक्सेस टू सेम वेबसाइट और वेब पेज कुड बी डायरेक्टेड टू द प्रॉक्सी सर्वर इंस्टेड ऑफ एक्चुअल वेब सर्वर। अब इसका क्या मीनिंग है, ये एक फायरवॉल का काम करता है और किसका काम करता है, प्रॉक्सी सर्वर का काम करता है। प्रॉक्सी सर्वर मींस अब ये क्या देखता है, जो भी डेटा एक बार एक्सेस हो गया, ठीक है, उसकी कॉपी अपने अंदर क्रिएट कर लेगा, कॉपी क्रिएट कर लेगा, तो अगर दोबारा अगर आप उसको एक्सेस करते हो तो वो बाहर से नहीं लेगा, वो जो कॉपी उसके पास है वही वो उसको प्रोवाइड कर देगा। फाइन, वही कॉपी वो उसको प्रोवाइड कर देगा। ओके, राइट, दस इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द ट्रैफिक लोड। इससे क्या होता है, जो नेटवर्क में ट्रैफिक लोड होता है, डेटा ट्रेवल का जो लोड होता है उसको क्या कर देता है, कम कर देता है। फाइन, तो यहाँ पे गेटवे की दो फंक्शन है, एक तो वो क्या कर रहा है, फायरवॉल करके क्या कर रहा है, ओनली सिक्योर डेटा को अलाउ कर रहा है फ्रॉम वन वन नेटवर्क टू अनदर, और दूसरा वो क्या कर रहा है, प्रॉक्सी सर्वर का काम कर रहा है। ठीक है, क्या करता है, जो भी वेबसाइट्स हैं, वेब पेजेस हैं, ओके, उनकी कॉपी स्टोर कर लेता है। तो बार बार क्या होता है, जो रियल सर्वर होता है उसको एक्सेस ना करके गेटवे में जो कॉपीज होती है वो प्रोवाइड कर देता है लोकल नेटवर्क्स को। ओके, चिल्ड्रन, वी हैव डन इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क्स, टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स, ओके, एंड नेटवर्क डिवाइसेस इन दिस वीडियो। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद अदर टॉपिक्स ऑफ यूनिट 3, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क। टिल देन कीप स्टडिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।